वहीं हरिद्वार के बहादराबाद में सोमवार को 5 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों ने टोल प्लाजा का घेराव किया। बता दें कि उस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से किसानों को समझाकर टोल प्लाजा को खुलवाया। प्रदर्शनकारी किसान नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है और पूर्व में भी किसानों पर लाठीचार्ज किया गया है। अब हम किसानों पर हो रही लाठीचार्ज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। सरकार ने लागू जो भी वार्ता हुई सरकार से, जिसमें वह 5 फसलों पे MSP दे रहे थे, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन थी। उसमें MSP उन लोगों को मिलेगी जो गेहूं की खेती छोड़कर दाल बोएगा, उसको मिलेगी। लेकिन जो पहले से दाल बो रहा है उसको क्या होगा? उसको नहीं मिलेगी। तो ये जो कंडीशन लगा के आप दे रहे हो, ये स्वीकार नहीं है किसान को। किसान को MSP सारी फसलों पे चाहिए और सभी किसानों के लिए चाहिए। जो पहले से वो फसलें बो रहा है उनको आप MSP देना नहीं चाह रहे। जो नया किसान गेहूँ और ये धान की फसल छोड़कर दाल बोएगा, उसको आप कह रहे हैं MSP देंगे। तो ये तो आपने किसानों में दो फाड़ करने वाली बात कर दी है। प्रपोजल सरकार का आया था लेकिन किसानों ने इसे ठुकरा दिया है, ये मंजूर नहीं है।